खबर दे आपको हिंदू बरादरी से मुतालिक बयान देना फयाज चौहान को महंगा पड़ गया। ईवान वजीर आला ज़राए के मुताबिक वजीर आला पंजाब ने वजीर इत्तला'आत फयाजुल हसन चौहान से इस्तीफ़ा मांग लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, इस वक्त वजीर आला पंजाब ने वजीर इत्तला'आत फयाजुल हसन चौहान से इस्तीफ़ा मांग लिया है। ज़राए के मुताबिक ये बताया जा रहा है हिंदू बरादरी से मुतालिक बयान देना फयाजुल हसन चौहान को महंगा पड़ गया है। वजीर आला पंजाब ने वजीर इत्तला'आत फयाजुल हसन चौहान से इस्तीफ़ा मांग लिया। इससे कबल भी शिकायत पर फयाज चौहान को तंबीह की गई थी। वजीर पंजाब ने वजीर इत्तला'आत फयाजुल हसन चौहान से इस्तीफा मांग लिया है। ज़राए के मुताबिक ये बताया जा रहा है, ईवान वजीर आला ज़राए के मुताबिक वजीर पंजाब ने वजीर इत्तला'आत फयाजुल हसन चौहान से इस्तीफा मांग लिया। हिंदू बरादरी से मुतालिक बयान देना फयाज चौहान को महंगा पड़ गया है। इससे पहले भी वो ऐसे बयान देते हुए नजर आए हैं जिस पर उन्हें तंबीह की गई थी और वार्निंग भी दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद ईवान वजीर आला ज़राए के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि वजीर आला पंजाब ने वजीर इत्तला'आत फयाजुल हसन चौहान से इस्तीफ़ा मांग लिया है। बताया जा रहा है कि हिंदू बरादरी से मुतालिक बयान देना फयाज चौहान को महंगा पड़ गया है। उनकी जानिब से हिंदू बरादरी से मुतालिक कोई बयान दिया गया जिस पर उन्हें काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। ईवान वजीर आला ज़राए के मुताबिक वजीर आला पंजाब ने वजीर इत्तला'आत फयाजुल हसन चौहान से इस्तीफ़ा तलब कर लिया है। इससे कबल भी शिकायत पर फयाज चौहान को तंबीह की गई, ये भी बताया जा रहा है ज़राए के मुताबिक, और वजीर आला पंजाब ने वजीर इत्तला'आत फयाजुल हसन चौहान से इस्तीफ़ा तलब कर लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं ताज़ा तरीन तफसीलात से, इस वक्त हिंदू बरादरी से मुतालिक बयान देना फयाजुल हसन चौहान को काफ़ी महंगा पड़ गया है। इस पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदा इखलाक बाजवा से। जी इखलाक बाजवा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, इस हवाले से ये इतलात हैं कि सूबाई वजीरे इत्तला'आत फयाजुल हसन चौहान जो हैं, जिन्होंने मुतनाज़ा बयान दिया था हिंदू कम्युनिटी पर, उस पर पंजाब असेंबली का ईवान यकजान हो गया। अपोजिशन ने बड़ा मुतालबा कर दिया कि फौरी तौर पर उनका इस्तीफा तलब किया जाए, जिस पर हुकूमती जो अरकीन असेंबली और वज़रा हैं उन्होंने भी फयाजुल हसन चौहान के बयान से लातलकी का इजहार कर दिया। तो हमारे ज़राए ये कन्फर्म कर रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब ने उनसे इस्तीफा तलब कर लिया, जबकि फयाजुल हसन चौहान के जो करीबी ज़राए हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि फयाजुल हसन चौहान ने आज खुद ही उन्होंने फैसला कर लिया है वज़ीर से मुसाफी होने का। तो इस तरीके से जो बातें चल रही हैं इस वक्त पंजाब असेंबली के ईवान में, वहाँ पर यही चल रही है। कितने इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं कि वो इस्तीफा दे देंगे या उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, क्या लग रहा है आपको? जी क्योंकि अब से कुछ देर कबल जो है वो वज़ीर आला पंजाब ने उनसे इस्तीफा तलब कर लिया था, तो उसका ये मतलब था कि क्योंकि वज़ीर आला पंजाब जो है वो पंजाब काबीना के कप्तान है, तो कप्तान किसी को भी स्टेप डाउन कर सकता है। तो इस हवाले से अब उनको एक रास्ता दिया जा रहा है, जो कि फयाजुल हसन चौहान के जो करीबी ज़राए हैं वो हमें कंफर्म कर रहे हैं कि फयाजुल हसन चौहान ने आज खुद ही ये फैसला कर लिया कि वो वज़ीर से इस्तीफा दे देंगे। इस तरीके से अब सिर्फ इंतजार किया जा रहा है उनका कि वो अपने तरीके से इस्तीफा दे दें। तो ये कंफर्म की जा रही है बातें कि वज़ीर आला पंजाब ठीक है, कंफर्मेशन के लिए इंतजार किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया इखलाक बाजवा।